हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, मैंने दोस्तों फाइनली मेरा प्राइमरी जो नंबर था उसको जियो के अंदर स्विच कर लिया है। और क्यों किया, यही हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटी सी कहानी है आपको सभी को बतानी है, सो अगर आपको इस कहानी पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाला आइकन को दबाना, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। सो शुरू करते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करें। सो पहली बार बता दो दोस्तों, मैंने जियो को लगभग 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। मैंने लाइफ का फ़ोन ख़रीदा था जियो की यूज़ करने के लिए, उसके बाद मैं हमेशा जियो को रिचार्ज किया हूँ, लगातार रिचार्ज किया हूँ। लगभग 2 साल के ऊपर मुझे हो चुका है दोस्तों जियो को यूज़ करने में। सो जियो को यूज़ करने के बाद मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई भी 2G 3G नहीं मिलता है, और डायरेक्ट जो भी मिलता है वो है 4G VLTE। सो यहाँ पर 2G 3G का कोई फंडा ही नहीं है, इसका मतलब है कोई भी नेटवर्क का स्विचिंग नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों और एक चीज़ मुझे अच्छी लगी है, अगर आप किसी को कॉल भी करते हो आपका नेट नहीं जाता है, उसके साथ साथ अगर आपके फास्ट सिम के ऊपर कॉल भी आता है उसके बाद भी आप उस कॉल को अटेंड कर पाते हो, लगभग आपको दिखा तो देता है। कुछ टाइम से दोस्तों जियो का स्पीड बहुत ज़्यादा गिर गया था, बहुत ही गिर गया था, स्पेशली मेरे यारी एरिया के ऊपर जियो का स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो गया था, अपलोड का जो स्पीड था वो भी बेकार हो गया था। इसलिए मेरा जो काम है दोस्तों, जानते हो वीडियो अपलोड करना होता है, सो इसलिए मुझे एक अच्छी खासी अपलोड की स्पीड चाहिए थी, और डाउनलोड का स्पीड भी जियो का बेकार है हमारे एरिया के ऊपर। सो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने एयरटेल के ऊपर रिचार्ज किया। मैंने रिचार्ज किया 448 के अंदर, मुझे 84 डेज के लिए 3 मंथ विथ अनलिमिटेड कॉल पार्ट डे 1.4 GB करके मिल रहा था एज लाइक जियो। अगर आपके पास जियो का 399 प्लान है सो उसमें जो फीचर है इसमें सेम है, सिर्फ 100 MB कम है एयरटेल के ऊपर और आपको 50 रुपीज़ ज़्यादा पे करना पड़ता है। एनीवे सो मैंने 448 रुपीज़ को रिचार्ज किया मेरे एयरटेल नंबर के ऊपर, और मेरा जो जियो का वैलिडिटी था दोस्तों वैलिडिटी शेष खत्म हो गया। सो अभी के लिए मेरे पास जियो का कोई भी प्लान नहीं है क्योंकि मैंने एयरटेल के ऊपर रिचार्ज किया। अच्छी बात है, मैंने सोचा चलो एयरटेल का 4G सर्विस भी यूज़ करके देखता हूँ किस तरह से आता है मेरे एरिया के ऊपर। सो दोस्तों मैं जब स्पीड टेस्ट किया मेरे एयरटेल के साथ मेरा जियो का, तो स्पीड टेस्ट के अंदर एयरटेल की स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी एज़ कम्पेयर टू जियो। जियो के लगभग मुझे दोस्तों यहाँ पर 2 MBPS के ऊपर मिल रहा था डाउनलोड स्पीड, और जो अपलोड स्पीड था वो भी दोस्तों 2 के आसपास था, पर यहाँ पर एयरटेल के ऊपर मुझे 4 और 5 MBPS की डाउनलोड स्पीड हुई, 6 MBPS की अपलोड स्पीड मिल रहा था। इसका मतलब है एयरटेल के ऊपर अपलोड स्पीड ज़्यादा था, डाउनलोड स्पीड भी ज़्यादा था। सो मैंने एयरटेल के ऊपर ही रहना ठीक समझा। सो एयरटेल को मैंने यूज़ किया लगभग 1 वीक, ठीक है। 1 वीक के बाद दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ एयरटेल के ऊपर। कुछ कुछ चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप जियो से एयरटेल के ऊपर वापस आना चाहते हो, क्योंकि जियो के स्पीड बहुत ज़्यादा बेकार है। सो फाइनली दोस्तों एयरटेल का जो जो प्रॉब्लम मैं यहाँ पर नोटिस करा हूँ वही यहाँ पर शेयर करूँगा। एयरटेल का सबसे बुरी बात है दोस्तों, अगर आपका डिवाइस ऊपर कोई भी कॉल आता है सो ऑटोमेटिकली दोस्तों कॉल जो आता है वो 2G और 3G ऊपर स्विच हो जाता है। इसका मतलब है क्योंकि अभी के लिए एयरटेल का VLTE टेस्टिंग पीरियड में है, बीटा पीरियड में है, सभी जगह लॉन्च नहीं हुआ है। मेरे यहाँ पर कलकत्ता के ऊपर VLTE नहीं है आया है, सो इसलिए मैं 4G VLTE को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ एयरटेल के ऊपर। इसका मतलब है जब भी कोई पर्सन और किसी को भी आपके नंबर के ऊपर कॉल आता है ऑटोमेटिकली आपका जो 4G नेट हो 2G और 3G में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों आपका जो नेट है, जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बंद हो जाएगा कॉल अगर आप अटेंड करते हो, और अगर आपको फोन के ऊपर कॉल आता है तो। सो नो इंटरनेट कनेक्शन वाइल यू आर ब्राउजिंग 4G नेटवर्क। जो सेकंड नंबर पॉइंट मुझे सबसे बुरा लगा है दोस्तों, यहाँ पर एयरटेल के अंदर 2G भी है, 3G भी है, 4G है, और जियो के अंदर सिर्फ 4G VLTE आता है। सो कुछ टाइम दोस्तों मैंने नोटिस किया है मेरा जो नेट है दोस्तों कभी कभी 4G आता है, कभी कभी 3G आता है, कभी कभी H+ दिखाता है, और कभी कभी सिर्फ H दिखाता है। सो इसका क्या होता है दोस्तों, 2G 3G 4G के अंदर बार बार स्विच होता है, इसलिए स्पीड की कमी हमें महसूस होती है। स्पीड कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होता है क्योंकि बार बार स्विच होता है। सो इसलिए कुछ टाइम के लिए रुकना पड़ता है अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और कोई भी डाउनलोड कर रहे हो। सो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया अभी के लिए कोई भी VLTE कॉलिंग नहीं है, सो आप HD क्वालिटी के अंदर वॉइस कॉल वीडियो कॉल को नहीं कर सकते एयरटेल नंबर के ऊपर, और जो कि ठीक है चलो मान लेते हैं। जब आप कोई भी मैसेज को सेंड करते हो दोस्तों वो मैसेज आपका 2G और 3G के ऊपर ही सेंड होता है। अगर आपका नेट ऑन है उसके बाद आप कोई भी SMS को सेंड करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका नेट जो है वो बंद हो जाता है, ऑटोमेटिकली 2G नेट के ऊपर और 3G नेट के ऊपर चला आता है, उसके बाद ही मैसेज सेंड होता है। ऐसे कभी यदि बुरी बात लगी है एयरटेल के साथ और
कुछ पॉइंट था जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता था, क्योंकि अगर आप एयरटेल के ऊपर स्विच करने वाले हो जियो से तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इस चारों पॉइंट से एग्री करते हो तभी स्विच करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा परेशानी हो सकती है। मुझे बहुत ज़्यादा कॉल आती है दोस्तों, कॉल करने के दौरान मैं इंटरनेट भी ब्राउज करता हूँ, तो इसलिए कभी कभी परेशानी होती है, क्योंकि कॉल करने के दौरान इंटरनेट में ब्राउज नहीं कर पाता हूँ, कोई भी इंपॉर्टेंट मेल और कुछ भी डाउनलोड कर रहा हो पॉज हो जाता है। सो इसलिए मैंने फाइनली जियो के ऊपर स्विच बैक कर लिया है, क्योंकि जियो ही अच्छा है। जियो के अंदर आप कॉल करके करते करते नेट ब्राउजिंग कर सकते हो, VLTE है और सब कुछ ठीक ठाक है, कोई भी स्विच 2G 3G 4G का स्विच करने की झमेला नहीं है। सो बेसिकली दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपके अगर आपके पास एक जियो का सिम है और इसका अगर स्पीड कम भी आ रहा है तब भी आप एयरटेल के ऊपर स्विच मत करना, जो भी है वो ऐसे ही चलाओ, क्योंकि एयरटेल के ऊपर 4G के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ मैं, एयरटेल का जो 4G है दोस्तों उसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ मैं। बाकी यही छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए बना रहा था, मैं आशा कर रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के ऊपर मैं दे रहा हूँ आपको आपकी मदद करेगा। दोस्तों अगर आपके साथ भी इस तरह से हो गया है और आपका कोई फ्रेंड के साथ इस तरह से हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना और शायद मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे। एनीवे दोस्तों थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना, इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।